अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, शायद जो मामला है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि किस तरीके से आज के समय में भी, आज का समय यानी कि एक ऐसा समय जहां पर महिलाएं किसी से कम नहीं है, लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन आज भी उनको कहीं ना कहीं अपने ससुराल में शादी के बाद प्रताड़ित होना पड़ रहा है। और एक ऐसा ही मामला कुटेल से आप देख सकते हैं, ये कुटेल के लोग रहने वाले हैं, करनाल के पास लगते कुटेल के। और आप देख सकते हैं ये जो लड़की आप इस वक्त देख रहे हैं इसका नाम मनीषा है, जिसकी 21 अक्टूबर 2020 को शादी होती है, लेकिन शादी के बाद इसको किस तरीके से घरेलू हिंसा और कहीं ना कहीं प्रताड़ित भी होना पड़ता है, क्योंकि जो इनके पति हैं वो भी इनसे सही तरीके का व्यवहार नहीं कर रहे। जो इनका कहना है, इनका ये भी कहना है कि जो इनके ससुराल वाले हैं वो भी इनको मारते हैं, पीटते हैं, जिसके बाद आज ये करनाल के एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। क्या कुछ इनका पूरा मामला है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो कहीं ना कहीं अपनी बहुओं को लक्ष्मी नहीं मानते और उनको शादी करवा कर उनको घर तो ले आते हैं लेकिन उनकी इज्जत और उनका मान सम्मान नहीं करते। क्या नाम है आपका? मनीषा नाम है जी मेरा। कहाँ से? कुटेल से। कुटेल आपका मायका है? हाँ जी। शादी हुई थी आपकी कहाँ पर? गरोंडा हुई थी। गरोंडा में? हाँ जी। कब? 21 अक्टूबर को। पिछले साल हुई है, कुछ महीने ही हुए। हाँ जी। क्या हुआ है जी? मेरा घर वाला है जी, जो विक्रम, वो जी घने हाथ पाई करा जी, टॉर्चर करा जी, उल्टे सीधे काम करा जी मेरे साथ। और मेरी सास और मेरी ननद है जी, वो भी उल्टे सीधे कामों में जी। मैंने भी सोचा भाई यही उल्टे सीधे काम करे जी। आपका पति क्या काम करता है जी? वो कंपनी में लगे हुए हैं जी, बाबरपुर। तो कब से ये शुरू हुआ? मारते पीटते हैं आपको? हाँ जी, मारते पीटते हैं जी। दहेज भी मांगा जी। दहेज मांगते हैं? तो शादी के समय नहीं दहेज मांगा जी? सब कुछ दे देते। अरेंज मैरिज हुई आपकी? हाँ जी। कुछ तस्वीर है आपके पास अपनी शादी की? उन्हीं के पास थी जी, हमने कुछ नहीं। पति की भी कोई तस्वीर नहीं है? पति की तो है जी। पति की एक बार तस्वीर दिखा दें। आपके साथ में कोई है उनकी तस्वीर, आप दोनों जिसमें साथ हो? पता नहीं जी, वो तो इसमें फोन में। सामाजिक आपकी शादी प्रॉपर हुई है? प्रॉपर तरीके से घर वालों के सामने? हाँ जी। फिर अब क्या मामला है जी? वो दहेज दूज मांगा जिनको, मैं तो कारों में चल। कब से दहेज मांग रहे हैं? जिस शादी हुई थी जी, भी वो कर। दहेज के कारण ही आपको प्रताड़ित कर रहे हैं आपके ऊपर? मैं तो कारों में चलने वाला हूँ जी, मैं तो भी तो गाड़ी है उनके पास जी? कुछ नहीं था जी, मरतस के रखे के घर भर का दिखा दिया जी, माना तो कुछ नहीं चंदा। घर बार सही बना हुआ है? बस जी ठीक सा जी। ठीक सा है? हाँ जी। मतलब परिवार वालों की मर्जी से ही हुई है जब शादी, तो उन्होंने देखा वाला होगा लड़का भी और परिवार भी। हाँ जी। तो अब जी तनु कहते जी पिंदा खाते नहीं जी, सारे ऐप कर जी, वो मार पिट्टी वगैरह जी, शराब पी के। हाँ जी। हाँ जी। जो मेरे ससुरा भी, मेरे ननंद भी। पैसे की भी दिक्कत आ रही है आपको? हाँ जी। ये क्या नाम बताया आपने अपने पति का? विक्रम। विक्रम इनका नाम है। आपकी उम्र क्या है मनीषा? 27 साल है जी। 27 साल है, यानी कि 26 साल की थी तो आपकी शादी हुई थी 21 अक्टूबर को 2020, कुछ महीने ही हुए हैं। विक्रम इनके पति का नाम है और आप देख सकते हैं तस्वीर है, हालांकि शादी की कोई अभी तस्वीर इनके पास नहीं है, वो ससुराल में है। घरोंडा इनकी शादी हुई थी। बड़ा मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि आज भी जहाँ पर एक तरफ तो कई सामाजिक संस्थाएँ हैं, कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं जागरूक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि दहेज लेना पाप है, दहेज देना भी पाप है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दहेज की मांग को लेकर अपनी ही बहू को किस तरीके से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। घरोंडा में इनकी शादी हुई थी, कुटेल के ये लोग रहने वाले हैं, परिवार की मर्जी से शादी हुई थी। जब मर्जी से शादी हुई थी तब उस वक्त उन्होंने नहीं कहा था कि हमें दहेज चाहिए, हम तो गाड़ियों में उतरने वाले, हमें गाड़ी भी चाहिए। गाड़ी की मांग है मेन? हाँ जी, कोई गाड़ी नहीं दे सका, कम से कम मोटरसाइकिल। कौन सी गाड़ी चाहिए? मोटरसाइकिल, बुलेट कुछ तो लेकर आना, कोई इतना नहीं गाड़ी। अच्छा। गुड्डी कार को जी, कार लेगा तो उनको पहले नहीं कुछ भी नजर आ रहा था जब शादी? कुछ नहीं जी, पहले कह देता मानो कुछ नहीं चंदा। अच्छा, मानो सामान भी नहीं चंदा जी, तो कुछ भी नहीं मांगे जी। अब आप लोग कहते नहीं है कि तब तो आप लोग कह रहे थे नहीं जी, कुछ नहीं जी। इवन को मेरा घर वाला अनुकर भाई, मैं तो करनाल की देख रही की भाई, मैं तो सुना लेकर आऊंगा, तना रहना हो रहा है नहीं दफोड़ते जी, मेरे को दूसरी शादी कर लूंगा, मैंने तो पसंद नहीं है जी। इवन बोला जी, अब क्या चाहते हैं वो लोग? ये जी वो 31 तारीख ने लेना खतरा है जी।
फिर मार पीटी कर लगे जी। किससे मार पीट की? मेरे साथ करी जी, मेरे घर वालों जी, मेरे घर मार पीट करी जी। क्या नाम है आपका? निर्मला। आपकी मर्जी से हुई थी ये शादी मनीषा और विक्रम की? हाँ, हमारी मर्जी से हुई थी। तो फिर अब क्या दिक्कत आई है? वो दहेज मांग रहे हैं? हाँ, दहेज मांग रहे हैं जी। फिर कह रहे हैं कि भाई हम तो जब रखेंगे, जब मोटरसाइकिल या कार मिलेगी हमने। तो इस दिन रात इसने पिटा घर में घेर कर, वो 12 बजे रात ना एक आधा रोटी देवा देवा ना ना सी, वो भी रोटी भी नहीं देते, रोटी भी नहीं देते, खान नहीं देते। अपने आप लक्ष्मी नहीं है वैसे तो, बहू को लक्ष्मी माना जाता है। अपनी छोरी ने तनु सोचा कि जणू बेरा निकेगा बैठा ले, छोरी मारे वाली ने मार मार कर देख के हाल कर रखा इसका। आपके ऊपर भी कोई मारपीट हुई? मारे ऊपर मारपीट करके गए जी 30 तारीख। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई आपने? हमने नहीं करवाई जी, उन्होंने कर दी अपने आप। उन्होंने कर दी? उन्होंने किस बात की कर दी जी? हमने तनु सोचा था, मैं चल रिश्तेदारी है बड़े बड़े और अभी अभी शादी हुई है। हाँ जी, हमने ये सोची जी। फिर हम 1 तारीख ने दरखास्त देने गए जी, फिर वहाँ बुला लिया जी, मधुबन थाने में जी, महिला मंडल में गए जी हम। फिर उनकी दरखास्त के आने के बाद उसका फोन आया जी पुलिस वाले का, भाई यहाँ पेश हो जी, उन्हें दरखास्त दे रही। फिर जी हम गए वहाँ, दरखास्त भी दे दी जी हमने महिला मंडल में। दरखास्त वालों ने भी आगे, महिला मंडल वालों ने भी जी बुला तो रखे थे वहाँ जी। पता नहीं क्या बात है। कब करी आपने मधुबन थाने? कब गए थे आप? 1 तारीख ना गए थे मधुबन थाने में जी। वो अभी गए काला जी, उन्होंने खुद दरखास्त दे दी जी, भी दे दिया। उन्होंने क्या दरख्वास्त दे दी? क्या नाम है आपका? मेरा मंजीत नाम है जी। मैं भाई हूँ जी लड़की का। अच्छा, और ये मेरे पिताजी है जी, पैरालाइज के मरीज है। उन्होंने क्या कंप्लेंट दर्ज करवाई? उन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज कराई जी, हम उनके घर पर लड़की को लेने गए थे और हमारे साथ मारपीट की, लेकिन हम मारपीट के उसमें नहीं थे जी। हमने मनीषा ने आप लोगों को बुला लिया कि मुझे तो तंग कर रहे हैं आप, हमें ले जाओ। मेरा भाई एक्सपायर हो गया था जी, तो मैं उसकी उसमें ले कहा था लड़की को, वहाँ भाई की जाता है डाउन है तू आ जा। तो बटे उन्हें ये बोल दिया मेरे को, जो विक्रम है भी तू ले जा सुबह, मैं अभी शाम में ड्यूटी पर आने के बाद मैं घर पर आ जाऊँगा। और अगले दिन मेरा वीरवार है 21 तारीख को, 21 अप्रैल को मैं लेके आया था, और 22 अप्रैल को वीरवार था। वो बोला मैं लेके, तू अभी ले जा, मैं इसको लेके फिर अगले दिन आ जाऊँगा, कैसी तबीयत है उसका पता कर लेंगे। तो वो आए नहीं जी, लड़की ने फ़ोन करे अभी मेरे भाई की ज़्यादा तबीयत ख़राब है तू आ जा, आया नहीं वो। तो आने के कोई हमने कोई वजह नहीं, भाई की डेथ होगी तब भी नहीं आए जी वो। और जब ये लेने आए सगे भाई के जी, इससे बढ़ाया जी 28 साल का भाई था मेरा। तो वो टेंशन क्या किस बात की होती जी, वो इसको इस ये उसकी उसकी थोड़ा सा ये था कि दोनों बहन भाई आपस में बतलाला करते, हमारे को बताओ नहीं थे। अभी बड़े भाई है मेरे, वो इसके बराबर का था, जिस तरह वो टेंशन में जी उनकी चला गया जी, वो उसकी डेथ होगी टेंशन में जी बिल्कुल ज़्यादा। हमने वो आए जी, जैसे मेरे भाई के मरने के 10 दिन बाद सासू आए, ससुर आए, और जो एक ननद है वो आई अप्रैल के महीने में। हाँ जी, अप्रैल के महीने में। क्या कहा उन्होंने आके? वो बोले दोपहर 2:30 बजे का टाइम, मैं कहा अभी लड़की ने लेकर जा। तो मैं बोला मोहम्मद जी महाप है ना, आपका लड़का तो आया नहीं, आप कैसे लेके जाओगे? तो वो बोले अनु को हम दान दो वाले हैं, हम हाथ काट लग रहे हैं जो। अच्छा। हमारे लड़की के हमारी बहू आया थारा के रह गया, किस्मत ये लग्गा दिग्गा रह गया। अच्छा, तो आपकी अब कुछ नहीं लगती? हाँ, हमारी ये बोले, हाँ ये बोला जी इनको, हमने लड़की लेकर लड़का दे रखा था, मुझे आपका लड़का तो हमारे दुख सुख का है भी नहीं है। फिर भी बोले अनु ऐसा क्या दे रखा था हमने, कौन सी आगे क्या हुआ? आगे ही जी फिर वो चले गए जिस दिन, उसके बाद जाने के बाद वो आपने नहीं भेजा मनीषा को? नहीं जी, हमने भेजा नहीं जी। हाँ। हम बोले अभी 10-12 दिन बाद तो आ जाइए, विक्रम खुद आए तो हम हाँ, भेज देंगे। तो वो आए जी अब 30 मई को। हाँ। 30 मई को आए दोपहर में 2:30 बजे का टाइम जी, 10-12 बंदे आए जी। हाँ। लड़का था और लड़के की मम्मी, उसको पापा, उसकी बहन और बुचोला था जो जो हमारा फूफा लगा। क्या बोल रहे हैं वो? ये बोल रहे थे आए, बोले बैठ जो, हमने बोल बैठने के दे दिया, चाय पानी दे दी, बैठने दे सार। उन्होंने तो क्या किया, बाल पकड़े ऐसे सासू ने। अच्छा, और बाल पकड़ मनीषा के, मनीषा के। हाँ। और बाल पकड़ कर खींच लिया अपनी तरफ, उनको हम तो ऐसे जड़प करके लेके जा सकते हैं। अच्छा। तुम क्या कर लोगे हमारा? हाँ। अभी जब अपना आपके ऊपर ही दबाव बनाया, हमारे ऊपर दबाव, आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई? हम तो इस चक्कर में रहे जी, रिश्तेदार बीच में, उन्होंने मारपीट भी की, मारपीट के साथ जो 10-12 लोग आए थे। विक्रम बंदूक ले रहा जी, रिवॉल्वर रखता है, रिवॉल्वर भी रखते हैं जी, इनको रख मैं ना काट दूंगा। लाइसेंस है उनके पास ही ऐसी रखते हैं जी, मन तो नहीं मन पता, मेरे तो दिखाई जी, मेरे तो दिखाई जी। उन्होंने आया, उन्होंने आप लोगों के ऊपर हमला किया? आप लोगों ने, आप लोगों ने कहा कि उन्होंने ही पुलिस कंप्लेंट दर्ज, उन्होंने किस नाम की पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई? वो बोले अभी हम लड़की को लेने गए थे और हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारे घर में ईंट फेंक दिया, हमारे कोई मारा। आपने पुलिस में कोई नहीं, हमने कोई नहीं, हमने तो सिर्फ ये बोला था। अब तक पुलिस में कहीं कंप्लेंट नहीं कराई थी, जब हमारे को कल वहाँ थाने में बुलाया गया। यहाँ आज किस लिए पहुंचे जी? हमने महिला थाने में दरखास्त दी थी, तो वहाँ हमारे को ये बोला गया अभी चलो मधुबन थाने से फैसला हो जाता है ठीक है। तो वो लड़के वाले कल हमारे ऊपर दबाव बनाया, 15 दिन का टाइम लेकर निकल गए वहाँ से, और हमारी सुनवाई नहीं कही। उसके बाद हम आज
एसपी साहब के यहाँ अपन। तो एसपी साहब से क्या आश्वासन मिला, उनको पूरी जानकारी दे दी? हाँ जी, हमने जानकारी दे दिया जी। वो बोल रहे हैं अभी कोई नहीं, हम इसका समस्या का समाधान जल्दी कर देंगे। तो अब आप चाहते हैं क्या समस्या का समाधान? इंसाफ। इंसाफ किस तरीके? मैं जाना नहीं चाहती जी, नहीं मार देंगे जी। अब आप नहीं जाना चाहते, डिवोर्स चाहते हैं एक तरीके से, अलग अलगाव चाहते हैं? हाँ जी, मैं जाना नहीं चाहती जी, मार कर भगा देंगे। हालत देख लो जी कैसी बना दी। चोटें भी लगी हैं आपको क्या? गुम चोट लग रही जी। गुम चोटें लगी हैं आपको, आपके बाल भी खींचे गए हैं। हां जी। अच्छा, एक आपने एक और आरोप लगाया अपनी जो ननद है, अपनी सास है, कि वो गलत तरीके से काम करते हैं। वो क्या काम है और आपको भी फोर्स कर रहे हैं वो उस काम में? तो भी चले इस काम में, और जो किसी तक बताया फिर बताओ। पैसे के लिए गलत काम? हाँ जी, गंदे काम करा जी। आपने कभी अपनी आंखों से देखा है उनको ऐसा? नहीं जी, जानते जानते तो देखा जी, मेरे तक घर तक भी चलो। हाँ जी, हाँ जी जी जी, इतने इतने पैसे पैसे लाओ जी, कहाँ तला मैंने पूछा जी, कहाँ तला है? कोई उनकी तरफ से, ससुराल की तरफ से कोई आपके सपोर्ट में, जिसको पहले से कोई पता नहीं कि विक्रम पहले भी नशे जरूर करता था और इस तरीके से? जी कोई नहीं, कौन था वो? तो रात ना लेट आओ जी कंपनी में, था किसी ने पता नहीं लगता पीवा का नहीं। उसका पापा भी नहीं, मेरे तो कोई नहीं पींदा, तीनों बापू बेटा पीवा जी। तो देवर जी, क्योंकि आपको प्रताड़ित किया। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि मनीषा है, गाँव कुटेल की रहने वाली है, घरोंडा में इनकी 21 अक्टूबर 2020 को शादी होती है। शादी के बाद तुरंत बाद ही, मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ समय बाद ही दहेज की मांग करना जो ससुराल वाले हैं वो शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम तो गाड़ियों वाले हैं, अगर गाड़ी नहीं ला सकती थी तो कम से कम एक बाइक या एक स्कूटी तो ले आती। लेकिन बड़ी बात आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके की अरेंज मैरिजेस होती हैं, जब पहले ही सारी सेटलमेंट हो जाती है, बातचीत हो जाती है, तो क्यों बाद में इस तरीके से दहेज की मांग की जाती है? और दहेज के नाम पर किस तरीके से कुटेल की मनीषा को प्रताड़ित लगातार किया जा रहा है, ससुराल वालों द्वारा भी किस तरीके से मनीषा के ऊपर हाथापाई की जाती है। और अब जो मनीषा है उसके परिवार वाले हैं आज करनाल के एसपी ऑफिस में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जब वो लोग मनीषा को उसके मायके से ससुराल लेने के लिए पहुंचते हैं उस समय पर वही इनके ऊपर हमला कर देते हैं और खुद मधुबन थाने में जाकर खुद ही कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं कि इन लोगों ने ना तो हमें अपनी बहू लेकर जाने दी और हमारे ऊपर हमला भी कर दिया। ये आप समझ सकते हैं कि सीएम सिटी करनाल के पास लगते कुटेल का ये मामला है। घरोंडा में मनीषा की शादी हुई थी, अभी एक साल भी नहीं हुआ, हाल ही में ही शादी हुई थी, और किस तरीके से दहेज के नाम पर एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात जरूर है, गंभीर विषय जरूर है। और अब मनीषा नहीं चाहती कि मैं उस घर में जाऊं क्योंकि मनीषा को अपनी जान का भी खतरा है, अभी भी मनीषा को गुम चोटें लगी हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि एक महिला पर किस तरीके से बीत सकती है, जो सपनों का घर एक तरीके से सपनों के घर में जाती है कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, मेरा पति ऐसा होगा, लेकिन उसका पति ही जब उसके ऊपर हावी होने लग जाता है, उसको दहेज के लिए मारने पीटने लग जाता है, तो उस पत्नी की क्या हालत होती है वो आप खुद समझ सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।